नमस्कार। टीचिंग के दौरान हमेशा शिक्षकों से एक बात कही जाती है और इस बात की आशा की जाती है कि वो अपने शिक्षण कार्य में शिक्षण सहायक सामग्री या TLM का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि TLM के प्रयोग से शिक्षण कार्य को अधिक रुचिकर और आसान बनाया जा सकता है। इसके द्वारा पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। इसीलिए बार बार एक बात कही जाती है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जहाँ तक हो सके शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से बहुत सारे लाभ होंगे और लाभ होते भी हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं लाभों की बात करने जा रहा हूँ कि यदि एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे कौन से लाभ होते हैं। पहला लाभ ये है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से कि यह विषय वस्तु को रोचक, जिज्ञासापूर्ण और अधिक स्पष्ट बनाती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, चीज़ें बड़ी आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं और बहुत आसानी से विद्यार्थियों को हम ये विषय वस्तु अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। TLM की सहायता से हम जटिल और कठिन प्रकरणों को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। यह TLM छात्रों में रुचि उत्पन्न करने में बड़ा सहायक है। इसको देख के विद्यार्थियों में बड़ी रुचि आती है कि आज सर क्या दिखाने वाले हैं, मैडम क्या दिखाने वाली हैं। तो इससे TLM को देख के विद्यार्थियों में बड़ी ज़्यादा रुचि आती है और वो तुरंत उन चीज़ों को सीखते हैं, बड़ा उनमें इंटरेस्ट आता है। तो जो भी शिक्षक हमारे TLM का प्रयोग करते होंगे वो इस बात को महसूस करते होंगे कि किस तरह से विद्यार्थी उन चीज़ों को देख के बड़ा चहकते हैं। इसके द्वारा मानसिक क्रिया विद्यार्थियों की उत्तेजित की जा सकती है, वो नई नई चीज़ों को सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। जब भी TLM देखते हैं उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। इसके साथ साथ TLM स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि TLM के प्रयोग से विद्यार्थियों की इंद्रियां प्रयोग होती हैं। तो जब वो TLM देखते हैं तो उनका जो प्रभाव है TLM के मटेरियल का, वो बड़ा लंबा प्रभाव उत्पन्न करता है। जो शिक्षक क्लास में TLM का प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाते हैं वो, यानी यह विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। TLM के द्वारा छात्रों में तर्क, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता आदि का विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि TLM देखते हैं उनमें तमाम नए नए आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। TLM के प्रयोग से छात्रों को सक्रिय रहने में बड़ी मदद मिलती है। छात्र बड़े एक्टिव रहते हैं क्लास में, बड़े चहकते रहते हैं। अगर लेक्चर दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद बोर होने लगते हैं, जबकि TLM का प्रयोग किया जाए तो उनमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो सक्रिय बहुत रहते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हमारी कक्षा में कुछ विशिष्ट विद्यार्थी हैं उनको बड़ी मदद मिलती है, पूर्व ज्ञान से वो चीज़ें अपनी जोड़ सकते हैं। तो विशिष्ट छात्र हैं, जो विशिष्ट छात्रों की कैटेगरी है, उनके लिए TLM बड़ा उपयोगी होता है। TLM के प्रयोग से हम छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अपने सामने जब उन चीज़ों को देखता है तो वो रटता नहीं है, उसको जो भी चीज़ दिखी वो उसको याद करता है। और आज भी हमको वो चीज़ें याद हैं जो हम लोगों ने छोटे में अपनी क्लासेस में देखी थी, टीचर्स ने TLM दिखाए थे, वो स्मृति पटल पर आज तक सुरक्षित हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। या शिक्षक ने कोई चित्र बड़ा अच्छा ब्लैक बोर्ड में बनाया, वो भी हमेशा हमें याद रहता है, वो भी एक TLM का एक टाइप ही होता है कि ब्लैक बोर्ड में जिस तरह से प्रयोग करते हैं। TLM के प्रयोग से छात्रों को अनुशासित रखा जा सकता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जैसे विद्यार्थियों के सामने TLM आता है वो बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ उन चीज़ों को देखते हैं। तो जो क्लास के बदमाश बच्चे भी हैं जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, वो भी TLM के लिए बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बड़े अनुशासित ढंग से उन चीज़ों को देखते हैं कि सर आज कोई एक्सपेरिमेंट कराने वाले हैं, या कोई चार्ट दिखाने वाले हैं, या कोई मॉडल दिखाने वाले हैं, या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाने वाले हैं, वास्तविक कोई सामग्री दिखाने वाले हैं। तो जो अनुशासनहीनता की कैटेगरी वाले जो छात्र होते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ TLM की एक खास बात और है कि इसके द्वारा शिक्षण की नीरसता को समाप्त किया जा सकता है। कई बार बहुत लंबी क्लास पढ़ाने में क्लास थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है, विद्यार्थी थका थका सा महसूस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही TLM का प्रयोग करते हैं, जैसा टॉपिक होगा उस तरह का हम TLM प्रयोग करेंगे, जिस तरह के विद्यार्थी होंगे उस तरह का हम TLM प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके स्तर के हिसाब से जब हम TLM प्रयोग करते हैं तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, नीरसता उनकी खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ TLM एक काम और करता है, हमारे समय की बचत करता है। TLM के प्रयोग से जो चीज़ें हम वर्ड से कहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमको समय लगने वाला है, वो TLM हमारी मदद करता है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, 1 picture is more than 1000 words, यानी एक चित्र अगर हम दिखा दें तो चित्र दिखाने से हम जो बात बहुत देर तक एक्सप्लेन करने वाले हैं वो समय की हमारी बचत हो जाती है। तो एक पिक्चर या कोई भी मॉडल दिखा के हम अपने समय की बचत कर सकते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। यह शिक्षण के कार्य को, शिक्षक के कार्य को बहुत आसान कर देता है। विद्यार्थियों में इंटरेस्ट तो आता ही है, साथ ही साथ ये शिक्षक के कार्य को सबसे ज़्यादा आसान करता है। तो इस प्रकार ये TLM
विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए और पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बड़ा ही बढ़िया काम करता है, बड़ा ही उस तरीके से काम करता है जो वास्तव में उस क्लास की आवश्यकता है, विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि TLM से हम स्मृति भी बच्चों की बढ़ा सकते हैं, इस मेमोरी में भी ये सहायक है। क्योंकि एक बड़ी प्रसिद्ध चीनी कहावत है, उस कहावत में ये कहा गया है कि व्हेन आई रीड आई फॉरगेट, यानी जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। व्हेन आई सी आई अंडरस्टैंड, जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। बट व्हेन आई डू इट माईसेल्फ, जब मैं इसको खुद करता हूँ, आई अंडरस्टैंड द बेस्ट, यानी जब मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत बेहतर समझ में आती है। तो ये चीनी कहावत कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों के, हमारे जो बॉडी है उसके प्रेजेंस को, उसके इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करती है कि जिस काम में हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे वो चीज़ें हम उतनी ही ज़्यादा सीखेंगे। यानी TLM का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और प्रभावशाली बनाना। एक कहावत मैं और आपको सुनाता हूँ, इसमें कहा गया है कि एक बार देखना 100 बार सुनने से बेहतर है। वही बात जो मैंने अभी अंग्रेजी में बोली थी, यानी अगर कोई चीज़ एक बार हम खुद देख लेते हैं तो शायद उसके बारे में अगर हम 100 बार सुनते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए मैं ये आशा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक हमेशा क्लास में TLM का प्रयोग करें। TLM कैसे बनाना है, TLM किन चीज़ों का बनाना है, ये इसकी समझ उनको होनी चाहिए। क्योंकि जब भी वो TLM का प्रयोग करेंगे तो उनका शिक्षण कार्य आसान हो जाएगा, विद्यार्थियों की लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए हमेशा शिक्षण कार्य में जहाँ तक हो सके, जिन टॉपिक में संभव हो, TLM का प्रयोग करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम TLM का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी टीचिंग निखरती चली जाएगी। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको थैंक यू।